जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में, एचटीएमएल की क्लास में, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक होगा हमारा एंकर टैग और दूसरा होगा मार्केट टैग के बारे में। ठीक है, एंकर टैग और नीचे लाइन में होगी, नीचे लाइन में L1 लिखा होगा, L1 लिखा होगा। बंद करना और चालू करने में अंतर नहीं पता है? गजब हाल है संजय, कैसे पढ़ाई हो गई? ऑन करना बंद करना में इतना तो है ना, इसको ऑन किया जाता है, आप बंद कर रहे हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो दो टैग पढ़ना है आज, मार्क्यू टैग के बारे में और एंकर टैग के बारे में। तो चूंकि एंकर टैग पता नहीं आप लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है, हेडिंग बना लीजिए एंकर टैग, बना लीजिए हेडिंग, बनाइए एंकर टैग, ANCHOR एंकर टैग। तब पहले फोल्डर ओपन कर लेते हैं। चलिए तो एक काम करिए, हेडिंग बना लीजिए आप लोग एंकर टैग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंकर टैग। एंकर टैग करता है क्या, सुनिएगा। एंकर लगाना है, एंकर टैग क्या करता है समझिएगा। जैसे कि एंकर टैग ऐसे कंडीशन के लिए है कि जैसे कोई इमेज दिखता है, मान लो जैसे दिखता है कि यहाँ फाइल है, फोटो लगाना है, उसको क्लिक करते हैं तो फोटो अलग से खुल जाता है ना, तो वह ऐसे ही है कि यहाँ पे क्लिक करें आप उस चीज की टॉपिक पे पहुंच जाए ए मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए एंकर टैग हेडिंग बन गई हमारी, और जैसे पैराग्राफ बनाया है सेटिंग आप इमेज वही रहने देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया मान लीजिए, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, और तो गो लाइव कर देते हैं। पहले देख लीजिए अभी इंटरफेस कैसा आ रहा है। सेटिंग बॉर्डर, इमेज लगाने का तरीका बताया गया था। ठीक है, तो सेटिंग इमेज में यहाँ पे एंकर टैग का यूज करेंगे हम लोग। एंकर टैग इटैलिक वाला लगा हुआ है पहले से, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एंकर टैग हो गया आपका, चाहे तो बोल्ड टैग का भी यूज कर लेंगे यहाँ पे, मतलब बी टैग भी लगा देंगे तो बोल्ड भी हो जाएगा। सब पढ़ा चुके हैं आपको ये चीज। ये बोल्ड भी हो गया। अब कैसे क्या करना है हमें, देखिएगा ध्यान से। एंकर टैग का यूज कैसे, एंकर टैग का यूज करने के लिए सबसे पहले टैग ओपन करें ए, और यहाँ लिखेंगे HREF। ठीक है, ए कोड होता है, यही होता है कोड उसके लिए एंकर टैग के लिए। ठीक है, उसके बाद भी क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी वेबसाइट वगैरह होगी, आप क्या करेंगे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इसको कर दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन खुल आ जाता है ना। अरे भाई इसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन खुल के आता है ना, ये वाला लॉगिन वाला, ये वाला, ताकि हम डायरेक्टली लॉग इन करें GIT का। तो हमें GIT पढ़ना, सर्च करना पड़ता है, GIT पे क्लिक करना पड़ता है, तब ये इंटरफेस आता है। हमने क्या किया, इस लिंक को कर लिया कॉपी, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐसे रेफरेंस में लाके इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट हो गया, और पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा स्पीड देके आप इमेज का यूज कर लेंगे। इमेज लगाने के लिए बताया था, इमेज क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इमेज HRC ना, SRC, SRC। और क्या करेंगे, और इसमें इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आपका इमेज कहाँ है,
इमेज नाम के फोल्डर में, किस नाम से, लैपटॉप के नाम, और कंट्रोल एस कर दिया सेव। देखिए इमेज आ गया, आ गया, लाइव करना पड़ेगा ना फिर से। गुड मॉर्निंग, नहीं आया क्या? कहाँ गड़बड़ हो गई भाई? अरे सही हुआ है। हाँ इससे नहीं होता है। चलिए वो फिर से कर रहा है, ये तो ही डिस्टर्ब कर दे रहा था। ये देखिए कहाँ दिक्कत हो गई, 1 मिनट जाइए, ये फिर से ट्राई कर रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। एक हेडिंग बना लेना है ऐसी, एक हेडिंग बना ली ऐसी H1। H1 में मैंने क्या लिख दिया था, एंकर टैग, और इससे पहले मैंने यूज कर लिया था बी टैग का यूज कर लिया था। और एंकर टैग उसी में रख दिया था, ये हमारी हेडिंग थी। कंट्रोल एस से कर दिया मैंने सेव और रन करा दिया, एंकर टैग हो गया हमारा। और इसके भीतर काम करना है हमें, तो मैंने कहा क्या कहा, इंटर करें और यहाँ पे ओपन करें ए टैग ओपन ए, इसपे देखिए HREF में क्या करेंगे, कोल्ड लगाएंगे तो लग जाएगा इसमें। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कोई भी लिंक कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। लिंक मेरे पास ऑलरेडी कॉपी था, वही लिंक हमने क्या कर दिया, नहीं कॉपी नहीं है, लिंक कोई कॉपी कर लीजिए यहाँ आ जाइए, और ये GIT पढ़ोना वाला ही मैंने क्या कर लिया। कॉपी कर लिया और लाके यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये फैकल्टी के लिए हो गई, और थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, स्पेस देके थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज, तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और स्पेस दिया क्लोज करने के बाद, इसके भीतर ही करना चाहिए था, ये गलती हुई थी। और टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, इमेज IMG क्या DSRC, ठीक है, इंटर, और यहाँ लिख दिया इमेज और सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया और इसको फिर से कोड कर लिया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इससे फायदा क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग इमेज लगाए थे, अगर एंकर टैग जैसे आज जो लगाए हैं कि जो एंकर टैग ये मान लीजिए नहीं रहा था, ये हटा दिए, देख लिया कर लिया, ये हटा दिया, मान लीजिए ये मैंने हटा दिया, नहीं रहता कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो इमेज रहेगा। देखिए इमेज है, इमेज है, इस पे पॉइंटर ले जाने, पॉइंटर पॉइंटर जैसे ही बना, कुछ अलग बन रहा है क्या, नहीं पॉइंटर जैसे बना, क्लिक करिए कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन एक बार यहाँ पे पहले आप एंकर टैग ओपन किया और आपने लिख दिया क्या, स्पेस HREF इंटर, और यहाँ पे लिख दिया आपने वही लिंक जो क्या किए थे, कॉपी पेस्ट किए थे, वही लिंक क्या कर दिया, कर दिया कॉपी, कॉपी और यहाँ लाके कर दिया पेस्ट। अब इससे क्या बदलेगा खुद देख सकते हैं आप, और मैंने कर दिया कुछ यहाँ नहीं बदल, और यहाँ यहाँ क्या क्या दब रहा है, हटा दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस एस सी और फिर से इसको कर दिया, आ रहा है। लेकिन अब देखिए पॉइंटर यहाँ तक दिख रहा है, तब तक पॉइंटर दिख रहा है जब तक इमेज से दूर है, लेकिन जैसे ही इमेज पे जाएंगे तुरंत एक कन्वर्ट हो जाएगा,
इसे पता चला कि इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा होगा ना। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पहुंच गए यहाँ पे डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमारा आराम से अपना नाम डाल के जो भी मेरा आईडी पासवर्ड होगा हमारा आराम से क्या कर सकते हैं लॉग इन। लॉगिन हो गया कि नहीं आप लोग, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं बहुत सिंपल सा जरूर काम कर लेंगे। क्या करेंगे कोड नोट कर लीजिए बस सही से आप लोग भी। चलिए ये फाइल में दिया नहीं होगा नोट करिए। आज क्या करना है एक हेडिंग बनाना है एंकर टैग के नाम से और सेंड उसे मैसेज लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आप लोग निकल लीजिए इसके और पढ़ाएं। अगला टैग मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है कि इमेज को मूव करा देती होता है नहीं इमेज अच्छा चलती रहती है कोई चीज लिखा रहता है चलता रहता है। तो अब देखिए जहां इमेज लिए हैं ना यहाँ आप कुछ लिख भी सकते थे, यहाँ इमेज की जगह आप कुछ लिख भी सकते थे तो लिखे हुए चीजें भी हो जाती क्यों आप ज्यादा लिख नहीं। अब ध्यान दीजिए आपको तो। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं फिगर हटा दिया। इस बार मान लीजिए मुझे नहीं फिगर नहीं वहां पे चाहते हम टेक्स्ट टेक्स्ट भी ला सकते हैं। आप पैराग्राफ टैग ओपन कर लीजिए और उसी के भीतर क्या लिख दीजिए GIT ठीक है। कंट्रोल से सेव कर दीजिए और देखिए यहाँ पे कहाँ गया अभी लाया नहीं थे यार। और इसको कर दीजिए कोड चलो भाई ऊपर वो लाइव देखिए अब वहाँ पर फिगर नहीं आएगा क्या आएगा GIT फॉर्म लिखा है। क्लिक करेंगे तो एक चीज अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ अभी कितने टैग ओपन है हमारे में टैग 1 2 3 4 चौथा टैग है। तो जैसे क्लिक करें यही टैग ओपन हो जा रहा है यही टैग। अगर चाहते हैं दूसरा टैग ओपन करना तो वो भी तरीका आपके पास अवेलेबल है ठीक है। वो भी दूसरा तरीका भी क्या है दूसरा तरीका देखिए अब हम टारगेट का यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे टारगेट तो देखिए टारगेट का यूज कहाँ करेंगे ये मैटर करता है। जो आपने फिगर का जो लिंक दे रखा है कि भाई हमको इस साइड पे जाना है उस साइड के बाहर आ जाइए जहां उसका डेवलपमेंट का बंद हुआ है। यहाँ थोड़ा स्पीड देखिए यहाँ लिख दीजिए टारगेट क्या लिख दीजिए टारगेट और इंटर करें। इससे क्या होगा कि जो अभी तक हो रहा था कि जिस लिंक पे क्लिक कर रहे थे वही टैग खुल जा रहा था उसी टैग पे ही परफॉर्मेंस हो रही थी लेकिन जब टारगेट का यूज कर देंगे तो क्या होगा अलग से एक सेपरेट टैग खुल जाए टैब कह रहा हूँ टैब TAB टैब खुल जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे बस MAIN मेन लिख देंगे कंट्रोल यस से सेव कर देंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल वैसा है कोई चेंजिंग नहीं हुई है लेकिन कितने टैब खुले हुए हैं 1 2 3 4 लेकिन जैसे क्लिक करेंगे एक पांचवा टैब खुल के आ जाएगा। इसे ये हुआ कि आपका वो वाला सेव है कोई दिक्कत समझ में आ गई बात। ये भी लिख लीजिए ये दोनों भी लिख लीजिए टारगेट वाला भी लिख लीजिए और ये लिख लीजिएगा कि इमेज की जगह हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ये भी लिख लीजिए हो जाएगा। अब हटा दे इसको अब है इमेज वापस लिखा है टारगेट को सब हटा दे रहा है। अब यहाँ इमेज ही चाहिए इमेज ही लेते हैं ये भी हटा दे रहा है एंकर टैग बता दे डायरेक्टली हमें इमेज चाहिए। हमने टैग ओपन किया लिखा इमेज HRC SRC तो ये दिमाग का काम नहीं करते पता नहीं कुछ ना दर्द कराए पूरा ये गर्मी की वजह से कि कहाँ है लग रहा मुझे भी छुट्टी लेना पड़ेगा। इमेज सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप कंट्रोल से सेव करेंगे लैपटॉप आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बिट्स वगैरह जो भी कम करना है कम कर लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं मार्क्यू टैग के बारे में टैग चेंज कर दिए यहाँ पे नाम और नाम रख दे रहे हैं एंकर टैग का नहीं अब क्या रख दे रहे हैं यहाँ पे मार्क्यू टैग या फिर उसमें भी नहीं होगा फाइल में नहीं होगा टोटली लिखना ही पड़ेगा ठीक है। MARQUE मार्क्यू टैग इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए मार्क्यू टैग ठीक है। ये मार्क्यू टैग है क्या थोड़ी बिट्स नहीं हो तो कम कर लीजिएगा इमेज का बिट्स वगैरह अगर कम करना होगा तो उसकी थोड़ी सी बिट जो क्या कर लेंगे कम कर जाएगा करेंगे कंट्रोल ऐसे सेव बहुत कम हो गया 115 करेगा ठीक ठाक चलिए।
अब क्या है अगला, अब पढ़ेंगे मार्क्यूट डे के बाद। मार्क्यूट डे पढ़ ही रहे हैं, मार्क्यूट डे में करना क्या होगा, इसमें मूव कराने के होता है, चार डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए इनका यूज करते हैं। आप यहाँ लगा देंगे मार्क्यूट, अब इमेज पहले नहीं लगाएंगे, अब इमेज से पहले आप यूज करेंगे किसका, मार्क्यूट टैग। अब टैग ओपन करिए और लगा दीजिए क्या, मार्क्यूट। क्या है मार्क्यूट, डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं कुछ आया नहीं, पूरा टोटली मिटा देते हैं। पहले शुरू से करिए, टैग ओपन करिए। क्यों आ नहीं रहे, उसको आना चाहिए, कैसे लिखना पड़ता है, पढ़े थे तुम। मार्क्यू टैग के बारे में ओपन किया, मार्क्यू टैग, और डायरेक्शन तो अभी कुछ बारी मैटर करेगी नहीं, ठीक है, केवल डायरेक्शन मार्क्यू लिख दिया और स्पेस, टैग ओपन करके। अच्छा मार्क्यू टैग ओपन करके क्लोज भी कर दो, क्लोज कर लीजिए और इसी में लिख दीजिए, इसी में लिख के जाइए। क्या करना है, टैग ओपन करिए, देखिए IMG, वही सेम के लिए IMG स्पेस SRC ना, इंटर और IMG और लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप ले लिया, कंट्रोल यस से सेव कर दिया। देखिए अब देखिए क्या हो रहा, देख रहे हैं मूव कर रहा है। हाँ टैग लिखना पड़ेगा आपको, आपके फाइल में नहीं दिया है, नोट कर लीजिए फटाक से पूरा। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, नया सबके लिए है, पेशेंस रखेंगे सब सही होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग तो बना ही लेते हैं आप लोग, मार्क्यू टैग ओपन करके क्लोज कर दिया, उसके भीतर इमेज इंसर्ट करा दो। अब ये मूव कर रहा है, बाय डिफॉल्ट मूव करता है लेफ्ट साइड में, आप डायरेक्शन चेंज करना चाहे तो चेंज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्शन कितने होते हैं, चार होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन, जैसे अभी मूव कर रहा है किस साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड भी देना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो मार्क्यू लगाया है ना, यहाँ थोड़ा स्पेस दे देंगे, क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे और लिख देंगे डायरेक्शन, क्या लिख देंगे, डायरेक्शन, इक्वल टू डायरेक्शन में लिख देंगे, मान लो लिख दिया राइट, क्या लिख दें, कंट्रोल एस एस कर दिया। अब देखिए नहीं चला जा रहा है, देख रहे ना चला जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो इसमें मूवमेंट वाली भी बात है, इसका बिहेवियर भी है। तो लिख लीजिएगा मार्क्यू टैग डायरेक्शन, चार डायरेक्शन होते हैं, लिख लीजिए लेफ्ट राइट अप डाउन, मार्क्यू टैग में चार डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। मार्क्यू टैग में कितने डायरेक्शन होते हैं, चार होते हैं, हाँ मार्क्यू टैग में चार डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और लिख लीजिएगा लाइन चेंज करके, और इसमें बिहेवियर तीन होते हैं, बिहेवियर कितने होते हैं, तीन होते हैं, और तीन बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, लिखिए पहला स्क्रॉल, पहला लिखिए इसका स्क्रॉल ही हो रहा है स्क्रॉल, दूसरा स्लाइड, दूसरा स्लाइड और तीसरा अल्टरनेट, अल्टरनेट हो गया, सब मार्केट के भीतर ही करेंगे। अब जैसे राइट लिख दिया लेट हो गया, यहाँ राइट की जगह क्या लिख देंगे, अप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अप से क्या होगा, अब क्या होगा, अब साइड में जा रहा है ना। अच्छा उसके बाद से मान लो डायल कर दिए तो यहाँ पे डाउन लिख दीजिए, कंट्रोल एस एस सेव कर दीजिए, अरे डाउन और कंट्रोल एस एस सेव कर दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ऐसे कर लेंगे अप डाउन भी। अब डाउन करेंगे तो मैंने लिखा है कि बिहेवियर भी तीन होते हैं, तो बिहेवियर भी इसी में बढ़ा लेंगे। बिहेवियर कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब इसको लेफ्ट था लेफ्ट ही रहने देते हैं, अरे भूल जा रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट ही रहने देते हैं, देखिए
बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता ही है। अब चाहते हैं बिहेवियर चेंज करना, तो बिहेवियर चेंज कर लेंगे कैसे, देखिएगा तो स्पेस देंगे यहीं पे और स्पेस में लिखेंगे बिहेवियर, क्या लिखेंगे बिहेवियर, क्या बना देंगे बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल टू दबाएंगे। अब बिहेवियर में लिख देंगे कैसा बिहेवियर चाहिए, तो मान लो मैंने कर दिया पहले स्क्रॉल कर देना SCROLL स्क्रॉल, कंट्रोल से सेव कर दिया, देखिए बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहता है, चला जाएगा चला जाएगा, फिर वापस आया ना, हाँ चला गया ना, फिर वापस आया। अब स्क्रॉल की जगह क्या लिख दिया, स्क्रॉल की जगह हमने क्या कर दिया, कुछ रहे मस्त रहिए, स्क्रॉल की जगह आप क्या कर देंगे स्लाइड लिख देंगे, SLID स्लाइड, और इसको भी सेव कर देना है, और इसको देखिए स्लाइड से क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे सेम वर्क हो रहा है, नहीं सेम नहीं है, स्लाइड है। अब देखिए अल्टरनेट से क्या होगा, टकराएगा फिर वापस आ जाएगा, देखिएगा अल्टरनेट और कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, और अब क्या दिए क्यों, एक ही काम कर रहा है क्या, एक ही काम कर रहा है, अलग होना चाहिए। चलिए अभी देख ले रहा हूँ क्या दिक्कत है, इन टकरा को वापस भी जाना चाहिए, बिहेवियर तीन होते हैं, मार्क डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, चलिए इधर उधर होने वाला जो भी दिक्कत है बिहेवियर का बाकी हिस्सा अगले क्लास में देखा जाएगा, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तो इतना कर लीजिए पहले, फिगर तो मूव करा लीजिए उसका मार्क्यू टैग का यूज करके, इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, ठीक है। तो फोटो खींचने में क्या दिक्कत रहेगी अगले क्लास, टेम्पो का रहेगा जी, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये डायरेक्शन हटा देगा, चल बिहेवियर आ जाते, समोसा रहे क्या, थोड़ा भेजना नहीं हो, स्पीड स्पीड नहीं, स्पीड नहीं बढ़े, फिर स्टॉल है ना सर, हाँ इमेज का नाम नहीं लेना, यहाँ इमेज हटा दो, बताए भी तू इमेज हटा दो, बी क्लोज कर दिए, लिख दिया मेरा सर्विस, नाश्ता रहे अच्छा, चलिए ठीक है, देखिए क्या गड़बड़ हो गया है, क्या नहीं हम लोग को आता टकरा के वापस भी जाता है, टकरा के वापस भी, हाँ दो तीन था ना, स्क्रॉल था अल्टरनेट था, मतलब मतलब काम अलग अल्टरनेट लगाए हैं, अल्टरनेट काम करना चाहिए ना, कहाँ काम कर रहा, देखिएगा चला ही जा रहा है, टकरा
टकरा किधर, हाँ इस तरह होना चाहिए, इस तरह हो जाएगा। पैराग्राफ अलग जैसे अलग है मतलब, ये तो पैराग्राफ हटाया जो पैराग्राफ की जगह इमेज लगाए थे, हटा दो, बताइए पैराग्राफ हटा दे ना, पैराग्राफ हटा दे, इसके पहले इमेज था, पैराग्राफ रहा कुछ नहीं था। तू तो अभी तो इसको दिखाने के लिए क्यों करती है, कंट्रोल एस सेव कर दे, ठीक है बता दीजिए, पढ़ाएंगे नहीं। यही पढ़ा रहे, मार्केटेक पढ़ा रहे थे, फिर यही रोक दिए, मार्केटेक एंकर टेक पढ़ाएंगे, टेक हो गए, मार्केटेक में ही पढ़ा रहे, लेकिन आप किए तो चाह रहे थे उनको फोटो भी ठीक है। अरे याद कर लेते हैं नाम, क्या दिक्कत नहीं आप ज्यादा नहीं है, आप तो जो कर चलो ठीक है। फोटो खींची इमेज में, आप फोटो खींची थे ना, ठीक बनाया तो लिखते नहीं, ठीक है।